मैं बीजेपी सरकार का बड़ा मशकूर हूँ। पिछली बार जब हमारी राजौरी में मीटिंग हुई तो मेरे सिर्फ दो ही पॉइंट थे, एक सुपर स्पेशलिटी का तो एक पानी का, जिसमें ये जो सुपर स्पेशलिटी जो है ये हमारी सेंक्शन हो गई है। इसमें अब लैंड की प्रॉब्लम आ रही थी, लैंड जो है हमारी एक रताला जगह है जो राजधानी में पड़ती है, एक जगह वहाँ भी लैंड काफ़ी मौजूद है और अभी सरकारी है तो कम्पनसेशन देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा जो है, जो आज हमने विजिट किया अपने सारे वर्कर्स के साथ, यहाँ जो हमारा मिडिल स्कूल थाना मंडी है, यहाँ उनके बच्चे भी नहीं हैं, तो ये दूसरे स्कूल के साथ क्लब हो सकता है और इसमें जो है जगह बन सकती है, तो टाउन के बीच में है क्योंकि सारे दफ्तर जो है इसी थाना मंडी प्रॉपर में है, तो अगर स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी बाहर चला जाए तो फिर उसमें लोगों को परेशानी आ सकती है। लिहाजा मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, या तो यहाँ बनाया जाए, अगर यहाँ को परेशानी उनको आती है तो लैंड कम है, क्वांटम ऑफ लैंड अगर कम है तो फिर ये जो रताला जो हमारे राजधानी का हिस्सा है, पार्ट है, तो वहाँ जो है एजेंसी से परसों भी मेरी बात हुई थी, तो मजीद जो है इसमें हम फाइनल करेंगे। जी क्यों मीर साहब, आप DDC मेंबर भी हैं और यहाँ पर थाना मंडी में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है वो कायम किया गया है, SDM ऑफिस है और साथ में उसके एसोसिएट जो हॉस्पिटल दफ्तर जो है वो कायम नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के मसाइल को हल करने में काफ़ी मुश्किल का सामना है। आप BJP के इस वक्त एक अहम कारकुन हैं और इस हवाले से आपका क्या मौका रहेगा? जितने भी हमारे सब डिविजनल ऑफिस है उसमें AWPHE है, इरीगेशन फ्लड कंट्रोल है, बिजली है, R&B है, या दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं एग्रीकल्चर के हैं, हॉर्टिकल्चर के हैं, तो उस सिलसिले में जो है हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात हुई है, उनने यकीन दिलाया है कि हम जो है इसको जितने भी महकमे हैं इनको डायरेक्शन देंगे कि ये थाना मंडी बैठा करेंगे। अलबत्ता यहाँ एक हमें परेशानी आती है कि यहाँ हमारा जो मिनी स्टेट मिनी कम्प्लेक्स था वो उसकी बुरी हालत है, वो किसी भी वक्त कलेप्स हो सकता है, तो उसके लिए हमारी कोशिश है कि एक हमारा अगर ऑफिस बन जाए ऑफिस कम्प्लेक्स यहाँ, तो उसमें सारे दफ्तर जिस तरह बाकी जगहों पर बने हैं उसी तरह बन जाए, तो सारे ऑफिसर जो हैं यहाँ आ जाएँ और लोगों के काम करें, क्योंकि यहाँ से आप किसी को AW से काम है तो वो जोरी कहाँ जाएगा, किस महकमे में कहाँ दफ्तर वो मिलेगा, तो वो वाकई उसमें लोगों को परेशानी आती है। किचन की थोड़ी प्रॉब्लम है तो फिर भी हमने जो है उसमें टेकअप किया है, तो उन्होंने हमें अश्योर किया है कि इसमें जल्दी जो हम जो ऑर्डर पास करने वाले हैं तो इनको यहाँ जो है अप्लाई किया करेंगे। जी मीर साहब, यहाँ पर जो बिजली की तारें हैं ये 30 साल पुरानी लगी हुई हैं और वो आज भी लटकी हुई हैं और कई जगहों पर जो है वो परेशानी का जो है लोगों को सामना है, तो हम आवाम का ये मतलबा है कि इन तरसीली लाइनों को जो है वो तब्दील किया जाए, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसमें मैं बड़ा सरकार का मशहूर हूँ कि उन्होंने हमारे PDPMDP जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का प्रोजेक्ट है उसमें उस कोटे में हमारा ये जो अपग्रेडेशन की है, और एक तो महंगाई में बन रहा है ग्रिड स्टेशन, उससे भी हमारी काफ़ी जो है मसाइल हल हो जाएंगे। दूसरा जो हमारा यहाँ राजधानी में जो अपग्रेड कर रहे हैं उसके लिए मशीनरी जो है वो खरीदी भी गई है, कुछ टेंडर लगे हैं तो जल्दी ही वो जो है लगने वाली है, उससे हमारा आने वाले 30-40 साल जो है बड़े आराम से निकलेंगे, हमें वो तारें भी मिल जाएंगी, हमें बिजली भी टाइमली मिलेगी, कोई परेशानी जो है हमारी वो कट वगैरह ख़त्म हो जाएगी। इस सिलसिले में आपको मैं ब्रीफ करूंगा कि ऑलरेडी जो हमने इसमें जो प्रोजेक्ट पास हो गया है और टेंडर जो है प्रोसेस शुरू हो गया हमारा, इसमें कासरगोड का या दूसरी जगह के कुछ टेंडर लग भी गए हैं, तो थाना मंडी का जो है यहाँ भी फिल्ट्रेशन प्लांट रखा गया है या इसी को यहाँ ये लगा हुआ उसी जगह रखेंगे और अनकरीब जो है ये जो हमारा काम जो है इसमें शुरू हो जाएगा और साफ़ सुथरा पानी जो है लोगों को मिलेगा। अगले आने वाले 40-50 साल तक आप देखोगे हमारे जितने इलाका जात हैं थाना मंडी के सराउंडिंग में या थाना मंडी टाउन है यहाँ कोई पानी की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मेरा लगभग कोई 80 करोड़ के लगभग जो हमारा ये इस मेरी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो प्रोजेक्ट बनकर चले गए हैं, जिसमें कुछ टेंडर हो गए हैं कुछ हो रहे हैं, तो ये मुझे लगता है 1-2 साल के अंदर अंदर सारा ये जो कितना भी पानी का मसला जो है सरकार इसमें बड़ी पर्टिकुलर राय चाहती है कि हर घर में जो है नल होना चाहिए, हर घर में जो पानी जो है वो देना है, तो उसी जल जीवन मिशन के तहत जो है हमारा जो काम जो है वो अंडर प्रोग्रेस है, बड़ी तेज़ी से चल रहा है।